खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। राजनगर प्रखंड में सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कार्यक्रम राजनगर किसान भवन में किया गया। बताया जा रहा है कि पूरे भारत में एक साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी के हाथों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। वहीं राजनगर प्रखंड के किसान भवन में भी किसानों को इस शुभारंभ का वीडियो सीधे प्रसारण के माध्यम से दिखाया गया। इस योजना के माध्यम से किसानों के खाते में 6,000 की राशि 3 किस्तों में प्राप्त होगी, जिसका उपयोग किसानों को कृषि कार्य में काफ़ी सहूलियत मिलेगी, जिससे राजनगर प्रखंड के 75 किसानों की को स्वीकृति मिली है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो प्रेमचंद सिन्हा, अंचलाधिकारी निवेदिता नियोति, 20 सूत्री सदस्य मेघराय मार्डी, दिलीप महतो समेत पंचायत के मुखिया ज्योति लता बांड्रा, रजनी जारिका, रघुनाथ मुर्मू आदि उपस्थित थे। खबर 365 न्यूज के लिए सरायकेला राजनगर से रविकांत गोप की रिपोर्ट। खेती के लिए महत्वपूर्ण 3 सीजन होते हैं, एक खरीफ फसल के लिए, एक रबी फसल के लिए, एक गर्मा फसल के लिए। तो तीनों ऋतु के लिए सरकार जो है सो किसानों को सपोर्ट राशि के रूप में प्रत्येक ऋतु में 2,000 रुपया 4-4 महीने पर उनके क्रेडिट कार्ड के खाते पर केंद्र सरकार द्वारा, इसके पहले राज्य सरकार द्वारा जो है 5,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को सपोर्ट राशि दी जा रही है। हमारे क्षेत्र में इसका क्या असर पड़ सकता है सर? इससे किसान अगर सही दिशा में उपयोग करेंगे तो जो महाजनों से सूद पर पैसे उठाते थे खाद बीज के लिए, वो उनको महाजन से नहीं लेने पड़ेगा और उनको आय में वृद्धि होगी, उन्नत किस्म के खाद बीज मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें जो है हमारे राजनगर प्रखंड के अंतर्गत हम लोगों ने 423 किसानों को लाभ देने के लिए भेजा था, जिसमें सत्यापन करके अभी 75 किसानों का आया हुआ है, जिसमें सांकेतिक रूप से हम लोगों ने 6 किसानों का प्रमाण पत्र वितरण किया है, जिनको प्रत्येक वर्ष जो है 6,000 रुपया खेती के रूप में उनको दिया जाना है। अच्छा मैडम, ये रुपया क्यों दिया जा रहा है, क्या वजह है? जैसे हमारे जो भारत है वो मुख्य रूप से वर्षा पर ही निर्भर है, तो भारत सरकार ये चाहती है कि जितना भी अभी किसानों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए 6,000 रुपया दे रही है, ताकि वो अपना बीज या आधुनिक तकनीकी से यंत्र खरीद करके अपना आमदनी को बढ़ा सके। वैसे तो मुख्यमंत्री कृषि योजना भी तो दी जा रही है, क्या फर्क है दोनों में? ये राज्य सरकार की योजना है, जिसमें 5 एकड़ तक के लाभुक को जो है 5 एकड़ जिनके पास जमीन है उन लोगों को प्रति एकड़ 5,000 रुपया यानी 5,25,000 रुपया दिया जाना है, इसका लाभ मिलेगा। क्या नाम है?